जनपद हरदोई में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो चार हॉस्टल्स हैं, जिसमें दो बॉयज़ हॉस्टल हैं, दो गर्ल्स हॉस्टल हैं, जो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए संचालित है, उसका निरीक्षण आज समाज कल्याण अधिकारी के साथ किया गया। तो उसमें मुख्यतः दो इश्यूज़ पाए गए। एक तो यह कि वहाँ पर जितने बच्चे भी रह रहे हैं, उन बच्चों का प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होना चाहिए या फिर नए आवेदन मंगाए जाने चाहिए। तो इससे कोई भी पत्रावली वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी और ना ही अधोहस्ताक्षर द्वारा कोई भी ऐसी पत्रावली पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो एक बिंदु यह है। दूसरा बिंदु यह है कि चारों हॉस्टल्स में जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, बहुत ही अधोमानक पाए गए। सारे हॉस्टल जीर्णशीर्ण अवस्था में थे और वहाँ पर मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष प्रत्येक हॉस्टल के लिए 1,00,000 रुपये मेंटेनेंस के रूप में दिए गए थे, परंतु मौके पर कोई भी काम नहीं पाया गया। तो इन्हीं प्रकरणों की जांच के लिए एक जांच समिति आज गठित की गई है और जांच समिति को आदेशित किया गया है कि 5 दिवस में पूर्ण रूप से जाँच करके अपनी जाँच